ये का करत हो? ये कपड़ा पड़ा कहाँ धरत उठाती को जाबे हो का? अब बताइबो ना करे हमसे। आए हम दिल्ली जा रहे हैं जी। दिल्ली? हाँ दिल्ली। तुम्हारा ऐसे कैसे मन बन गवा ऐसे जल्दी जल्दी में दिल्ली जाते? दिल्ली में कहा है कुछ है? आओ का हुआ सब है दिल्ली में बेरोजगारी नहीं ना। इधर पहले धारा उठा। नौकरी मिल रही है मैं जा रहे अपना जा रहे अपना भविष्य भविष्य वही बनाए। धारा उठान पहले बन कर पहले हमें बताओ कि दिल्ली जाए के काहे मन तुहार होगा? दिल्ली का करे जाइयो वहाँ दिल्ली में का धारा है तुहार? देखो यहाँ कितनी बेरोजगारी है। हाँ सब देखो दिल्ली जाइबे। हाँ और दिल्ली माँ खूब बढ़िया घूमबे उमबे। हाँ वैसे भी दिल्ली दिलवालन की होत है। देखो एक बात बताई ना दिल्ली दिलवालन की तो है ना, ये तो तुम कहो ना। दिल्ली तो फ्री वालन की है, दिल्ली तो मुफ्त खोरन की है। कैसे? दिल्ली दिल्ली माँ एक लाइन सुनाई। भारत माता सिसक रही है तुमरी नादानी पर, भारत माता सिसक रही है तुमरी नादानी पर, और तुम जमीन बेच दिए फ्री के बिजली पानी पर। वहां पर जो चुनाव हुआ है वहां लोग फ्री के इतना आदि हो गए हैं कि उनका बिजली पानी कुछ फ्री दे दो वो वोट दे हैं। ये ना देखिए कि कौन राष्ट्र हित में है, कौन देश हित में है, कौन हमारे भविष्य के। देखो हम एक बात बताएं कि जो आज बेरोजगारी है, अगर कोई सरकार बढ़िया सरकार ही, चाहे जो सरकार हो, चाहे यूपी के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे दिल्ली के हो, वो अगर हमारे युवा के भविष्य का सोचे तो वो का करे कि रोजगार दे, कंपनियां लगावे, बड़े बड़े स्कूल खोले, कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, डिग्री कॉलेज खोले, ना कि फ्री के राशन पानी दे के जनता का उल्लू बनाए। पहले के जमाने में ही जब ये वोट वाला प्रक्रिया ना रहा है तब तो राजा का निरंकुश हो जाए चाहिए, जनता के बारे में ना सोचे चाहिए। कहे से जब राजतंत्र होते वहां बहुत निरंकुश होते हैं लोग, का कहते हैं ना बहुत सख्त होते हैं। लेकिन जब से लोकतंत्र आएगा तब से जो राजा जो बनत है, जो चुनाव जीत के जात है, उके अंदर डर रहा था कि हम बढ़िया काम ना करबे तो जनता हमें चुनी ना, जनता हमका फिर से जैसे 5 साल बीती वैसे हमका नकार दी, बाहर कर दी। लेकिन पहले के लोग ठीक रहे। लखनऊ के जो इमाम बारा है उके इतिहास जाना थी, उ दिन मा बनावा जात रहा है, रात मा गिरावा जाता है। काहे गिरावा जात रहा है? उके पीछे ही कारण रहा है कि राजा चाहत रहे कि जो हिया बेरोजगारी अकाल पड़ा रहा है, उस टाइम मा दुर्भिक्ष पड़ा रहा है, तो चाहत रहे कि जो जनता है, जो वाकई मैं जो जरूरतमंद है वो आवे काम करे और के बदले पैसा ले। अब इतना काम रहा ही नहीं और पैसा उका घाटा ना ही होत रहा है। घाटा होत रहा लेकिन जनता तो मुफ्त खोरी के, जनता के अंदर मुफ्त खोरी के आदत तो ना ही पड़ी रहा है। जनता जब मुफ्त खोर हो जाई, जब अरे आदमी का फ्री के खाए के आदत पड़ जाई तो काम का करी, फिर देश के समाज के कैसा विकास हुई? विकास करे के तो हाथन का रोजगार दो, तुम ना समझो। अब वो काहे गिराए देते रहे कि जो जरूरतमंद हो, फ्री के तो सबका चाहिए। लोग देखत ना ही हो जो पात्र हैं वह ले लेते हैं कॉलोनी घर आवास, जो पात्र ना ही है वो रही जात बेचारे या उन्हें तो इसलिए पहले घर बना वो इमामबाड़ा बनावे दिन भर तो रात हम गिराए दे रहते हैं। हाँ कि फिर जो जरूरतमंद हुई जिका काम चाहिए, जिके घर में खाए का सही मनाई है, बच्चे बीबी भूखे हैं, वो आई फिर काम करी। और जो मुफ्त के दरबार लगा देती तो सभे पहुंच जात कटोरा लेके। तो दिल्ली माँ मुफ्त के दरबार लाग है, सभी फ्री के चाहत। अब ये फ्री के हो तो सबका चाहिए। राजा लोग हाँ, अच्छा देखा पहले करत अच्छा करत रहे हाँ। पहले के ठीक रहे। अब जब इतना सब पढ़ाई लिखाई, इतना देश में संविधान सब कुछ आए गवा है तब। लेकिन ई गलती सरकार के ना ही है, ई गलती हम सब के है। काहे से कि हम में लालच दीहीन कि हम तुमको बिजली पानी फ्री दे देबे, राशन फ्री दे देबे, वही के चक्कर में यहाँ तुम जाए के अपन वोट दे के उनके हाथ बिक गए। अरे रोजगार मांगो और जो समस्या है देश में उसके समाधान मांगो, ना कि फ्री के मांग के अपन काम चलाओ। सही कहा थे बिट्टू जिया, तू हमारा आँख खोल दीज, अब दिल्ली हम ना जाए। देखा या यूपी चाहे जैसा है अपना हाँ। लेकिन ठीक है यहाँ इतना फ्री के चक्कर में जनता न्याय बौरानी है। यहाँ अभी हमारा जमीर जिंदा है, जो सही हुई उनका वोट दिया जाए और उनका फिर से लावा जाए, और जो गलत हुई उनका बहिरे के रास्ता दिखावा जाए। और हम तो सरकार से भी ये चाहे दिल्ली की हो चाहे बिहार की हो, हम यही अपील करेंगे उनसे कि
इंसान को ऐसा बनाएं कि वो मेहनत से खाए, मुफ्त का कुछ भी हमें नहीं चाहिए। जनता ये अपील करना चाहती है कि मुफ्त का उसे कुछ नहीं चाहिए, वो मेहनत से करना चाहती है, वो मेहनत से ही अपनी अपना पेट भरना चाहती है, उसको मुफ्त का नहीं चाहिए। फ्री में आदमी लग जाएगी वो बड़ी खराब आदत होती है। हाँ, आज का मुद्दा कैसन रहा ये हमारे दर्शक हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और ऐसे मुद्दे पे हम कट्टो और विट्टो अपने विचार लेके आते रहे। तब तक के लिए राम राम। राम राम।